मायके चली जाऊंगी में समर पहुंच गए हैं जया के मायके, और वो भी जया को अपने साथ वापस लाने के लिए। लेकिन समर से यहाँ हो गई एक गलती। जी हाँ, नशे के हालत में जया के घर पर पहुँचे समर। दरअसल सत्या देवी से नजरें मिलाने के लिए समर को थोड़ी सी हिम्मत चाहिए थी, इसलिए समर ने लगा लिए 2-3 पटियाला पैग। लेकिन पैग लगाने के बाद समर हो गए नशे में धुत, और जिस मकसद से आए थे वो मकसद भी पूरा नहीं हो पाया। देखिए तो जरा, नशे की हालत में समर कैसे जया से घर चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, सत्या देवी को समर की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर जाती है कि आखिर इतनी रात में घर पर कौन आ गया है। उधर जया समर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन समर तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे मैं हूँ। खैर, सत्या देवी के आने पर जया सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सत्या देवी की पार की निगाहों से बच पाना इतना भी आसान नहीं है। जया की हड़बड़ाहट देख सत्या देवी को शक हो जाता है। तू यहाँ इतनी रात को क्या कर रही? वो मामा, दरवाजा मुझे लगा बंद नहीं है तो मैं चेक कर लेती। दरवाजा तो बंद है ना? हाँ हाँ बंद ही है, कर दिया। आइए समर के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं आज नशे के हालत में क्या हंगामा मचा दिया है। ड्रिंक करके तो अच्छा खासा हंगामा ही किया है मैंने। क्या होता है कि मुझसे गलती हो जाती है और गलती से एक और गलती हो जाती है। अगर आपको ये सब जानना है तो हमारा शो देखना पड़ेगा, मंडे टू फ्राइडे 31 सोनी। जया, जरा ये बताइए कि आप बात बात पर अपने मायके क्यों चली जाती हैं? बात बात पे मायके नहीं निकलती, पर हाँ, जैसे आजकल जो हिंदुस्तान में आजकल क्या पहले से जो रिवाज है कि लड़की एक बार अगर उसकी शादी हो गई तो वो पराई हो गई, बट हम ऐसा नहीं मानते। मैं जिस ख्याल से बड़ी हूँ, मेरी मम्मा कहती हैं कि मेरे मायके का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा खुला है, तो जब कोई तकलीफ होती है, तकरार होती है, तो घर पास में ही है तो उनसे सलाह मशवरा करने चली जाती हूँ। हाँ, तो ये सब चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि बात बात पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वेल, देखना ये होगा कि क्या जया समर के साथ अपने ससुराल वापस लौट जाएंगी, या यूं ही रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।